अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज शामी कबाब फॉर वेज लवर, जिसके लिए आज हमने लिया है सबसे पहले 1 कप चने की दाल, इसको हमने वॉश कर लिया है अच्छे से। नेक्स्ट हमने लिया है अदरक लहसुन हरी मिर्ची, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। उसके बाद हमने लिया है धनिया पत्ती। नेक्स्ट हमने लिया है कुछ गर्म मसाले, जिसमें हमने लिए लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला सॉल्ट 1 टेबल स्पून है। उसके बाद हमने लिया है 1 लेमन। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये लौकी के छिलके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल है, फाइबर से भरे हुए हैं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, डायबिटिक लवर है, डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और हमारी चने की दाल का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने कुकर में चने की दाल को ऐड कर दिया है, उसमें हमने लौकी के छिलके को ऐड कर दिया। अब हमारे जो सारे मसाले थे, हम वो सारे मसाले को ऐड कर देंगे, कुछ भी पीसना नहीं है, सब पहले हम बॉईल करेंगे। इसी के अंदर हम लेमन जूस भी ऐड कर देंगे और अब हम 4 सीटी लेंगे। पहली सीटी जो हम लेंगे, पहली विसल हमारी फास्ट पर होगी, उसके बाद हम गैस का को स्लो कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारी चने की दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे दरदरा सा, ठीक है, जिससे हम हमारे कबाब बना सकें। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से पीस लिया है और अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे, इसमें हमने धनिया पत्ती ऐड कर दी है। तो चलिए हम इसकी टिकिया बना लेते हैं और अब ये फ्राई होने के लिए रेडी है। तो हमने इसकी टिकिया बना ली है। अब मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूट है, जिसमें पहले मैं ले रही हूँ अंडे का घोल, जो वेज नॉन वेज खाते हैं वो अंडे का घोल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेसन का घोल, ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, जो नॉन वेज ज़रा भी नहीं खाते हैं, अंडा भी नहीं खा सकते हैं, वो इसका यूज़ करें, ठीक है। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, अभी हमने बेसन में कोट करके फ्राई करना स्टार्ट किया है, गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब ये नेक्स्ट हमने एग में कोट करके फ्राई किया है, इसको भी हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं हमारे कबाब। अब हमारे कबाब रेडी है, हमारे वेज शामी कबाब। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।